यही सब आनंद है जीवन का। इसीलिए हम लोग को शरीर मिली है। देखिए यही की बात कर रहे थे हम, ये जकड़ने वाले कांटे हैं। जकड़ लिया पूरा, पैर जकड़ लिया। रुक जाओ, अभी निकालते हैं। कांटा बहुत ज्यादा है यार। हेलो अनलॉक विजन आर्मी, एक नया दिन, एक नई जगह, काफी खूबसूरत जगह पे हम लोग खड़े हैं। इतनी समय गहवर वन ब्रज का सबसे रहस्यमय स्थान है, उसी में पीछे पहाड़ी है। हम लोग यहाँ पर कोई आता नहीं है, अब चल के देखते हैं यहाँ पर कैसा लगता है। एक बीच में कुआं दिख रहा है बहुत पुराना, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई दूसरी आवाज नहीं है यहाँ पर। फिर हम लोग इसको चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। ये अनोखा लग रहा है, पहले स्पॉट पे आ चुके हैं। ये पेड़ देखिए कितना खूबसूरत है, जैसे कोई हाथ फैला खड़ा। पेड़ जिंदा है, सूखा नहीं है। कितना सुंदर दृश्य है ये, प्रकृति बहुत खूबसूरत है। ये मयंक कैसे चलोगे इस पत्थर उत्थर पे? हम नंगे पैर होते तो हालत खराब हो जाती। लेकिन विश्राम करने की एक बहुत ही गजब की जगह मिल चुकी है। कांटा लगा, बहुत सारा कांटा लगा आने में यहाँ पे। सांप ओप सब है यहाँ, क्योंकि इंसान तो है ही नहीं है। लेकिन ये ब्रज का वो जगह है जो भी अनछुआ जगह है, तो यहाँ का आनंद अलग है। कहीं हो सकता है भगवान भी गैया चला रहे हैं यहीं पे छुप के, हो सकता है। सो फिलहाल अभी एक चीज मिल चुकी है यहाँ, ये देखिए बैर, जंगली बहुत टेस्टी बैर है। देखिए बहुत टेस्टी वही बैर की तरह ही है। और इसको देखिएगा, अरे छोटा सा ये पिया है। मस्त चूरन, मीठे वाले चूरन का स्वाद खा के देखो। वो मान बिहारी लाल हैं, और वो बीच में जयपुर वाला मंदिर है, वो श्रीजी महल है, वो श्रीजी महल दिख रहेगा। जूम करें तो शायद और स्पष्ट हो जाए, तो हम प्रयास करते हैं जूम करके आपको श्रीजी महल स्पष्ट दिखाने का। देखिए ये श्रीजी महल है ये। सो हम लोग को आधा घंटा यहाँ हो गया, मयंक भाई अभी सो रहे हैं, और अब चलते हैं इसके ऊपर। जाना हम लोग को चढ़ के, तो थोड़ा ये रिस्की ट्रैकिंग हो जाएगी, मजा आएगा। मयंक चलें? हाँ भाई। आधा घंटा से ज्यादा हो गया भाई, चलिए हम लोग बैर और काफी खाए तोड़ के, और अब चलते हैं ऊपर। आराम से जाना भाई। तो पहले मयंक भाई जाएंगे, तो यही फायदा है घर से निकलने का, कि घर से निकलेंगे तो एक से एक जगह मिलेगी आपको एक्सप्लोर करने के। भाई आराम से, कितनी भयंकर चढ़ाई है, देख रहे हो? बहुत सही। मयंक मयंक उधर से जाओ भाई, मयंक पूरा चढ़ चुके हैं, बहुत यही सब आनंद है जीवन का। इसीलिए हम लोग को शरीर मिली है, उसका सही उपयोग किया जाए। बहुत तब बहुत दिन बाद क्लाइंबिंग कर रहा, काफी ज्यादा यहाँ झाड़ी है। नहीं ऐसे सही है, कोई दिक्कत नहीं, काफी यहाँ जानवर है। ये देखिए क्या है, ये सब कांटा लग गया रोड भाई साहब।
कांटे भाई साहब, कांटे हर तरह के कांटे। अच्छा देख रहे हो यार, भूत जा पाए वो भी नंग मयंग भाई नंगे पाए, आराम से चलना यार। अबे घुस गया, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, इन्हें बचाने कोई माली नहीं। काजा देखो प्रकृति ब्रज का संरक्षण ही तो कर रही, कांटा बन गया। सही बात, ब्रज को बचा रही। ये देखिए हाँ, पहाड़ के बिल्कुल हाँ यार, ये क्रिस्टल तरह देखिए, यही की बात कर रहे थे हम, जकड़ने वाले कांटे हैं। जकड़ लिया है पूरा, पैर जकड़ लिया है, जो अभी निकालते हैं। ये देखिए क्या एक्सप्लोर किए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आप दो रंग के पत्थर देख सकते हैं, देखिए नीला ऑरेंज, ये एकदम श्याम और सफेद, राधा रानी और श्याम, ये एकदम यूनिक लग रहा है। अबे यार इधर एक चीज दिखाएं, ये कैमरे में दिख रहा है, इधर आओ, ये देखो आकृति बनी है, ये देखो ये देखो मैं, जैसे कोई बैठा है, जीवन का लक्ष्य की तरह ही एक पर्वत पे चढ़ना जीवन का लक्ष्य है, और चढ़ के क्या करना है, उस पार देखना है। हम लोग उससे ऊपर तो चढ़ गए, इसके इस पार तो बरसाना दिखा, अब देखते हैं इस पार क्या है। आइए, जिसके लिए इतना मेहनत किया है, इतने कांटों को सहा है, उसको देखते हैं क्या है वहाँ। बने रहिए ब्लॉग में, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्यों देखिए, हम लोग सोचे थे उस पार क्या है, उस पार कामा है, इधर बरसाना, इधर कामा, और वो पेड़ डेस्टिनेशन बनाए, देखते हैं वहाँ क्या दिखता है। हम लोग एकदम बहुत घने में आ चुके हैं बीच में, थोड़ा डर भी लग रहा है, वो गाड़ी वहाँ, हाँ वहीं कहीं से आए हम लोग, और रिस्क तो है हा? क्योंकि ये है पहाड़ प्रकृति, और यहाँ पे हर तरह के जानवर भी हैं, हम लोग चले आए हैं रिस्क लेके, लेकिन जज्बा जब हो किसी चीज़ का, जब कुछ आता हो तभी आइएगा इस काम को करने में, मतलब जानकारी हो, कुछ जानवर दिख जाए तो संभाल सके, जा सके, कंट्रोल कर सके माहौल को, तभी आइएगा भैया। सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ से कंट्रोल हा? करना, सांप सबसे नॉर्मल बात है, हम लोग उतना है कि हम लोग सांप पे कंट्रोल इतना आता है, सांप से भागेंगे नहीं और उससे लड़ेंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं और निकल जाएंगे, उसको एहसास ही नहीं होगा कि हम उनके लिए खतरा हैं। हाँ, ना वो हमको खतरा रहेंगे ना हम उनको खतरा रहेंगे, आप लोग डर के डरा देंगे ना। तो कभी भी ऐसी जगह जाइए तो थोड़ा सतर्क रहिए, समझ लीजिए हम लोग एकदम पहाड़ के बीच में, हम लोग के चारों तरफ से पहाड़ और नीचे कुछ अगला पहाड़। हाँ, तो यही तरह एक्सप्लोर करते रहेंगे चीज़ों को। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं नेचर के बीच में जाके, कि कैसे पहले के लोग पहाड़ वहाड़ पे रहते थे, क्यों कैसे जीते थे, चप्पल तो था नहीं, चढ़ते चलते कैसे थे, और चल के देख रहे थे, देखिए मजाक नहीं, नंगे पाँव ही थे, और दिव्य जगह है, तो हम लोग सोचे शायद कुछ दिख जाए। अच्छा वैसे दिखा वो जो क्रिस्टल वाला, और शिला दिख रही है, क्रिस्टल कलर का जो शिला थी, शिला और दिखाते हैं आपको, एकदम ब्लैक, वो एकदम ब्लू थी, और वाली जहाँ आप जा रहे हैं वो एकदम ब्लैक है। चलिए दिखाते हैं, देखिए ये शिला में निशान बने हैं, जैसे लग रहा है पैर और देखो उंगली की, देखो ये देखो, एक दो तीन चार पाँच, ये देखो यहाँ शिला में कुछ ना कुछ तो रहता ही है गज का। हाँ अधिकतर देखने वाले की निगाह चाहिए भाई, दिख लेता है ईश्वर हर जगह, भगवान अपना छाप हर जगह छोड़ा है। काफ़ी चीज़ें दिखाया आपको, और काफ़ी रिस्क लिए, और बहुत ज़्यादा महंग भाई के पैर में कांटे गड़ चुके हैं, तो वैसे हम लोग डिसाइड किए हैं कि अब चलते हैं, बन जाएगी जगह काफ़ी।
यहाँ थोड़ा साफ भी है। चप्पल नहीं बनाएगा उसको, देखो एकदम आराम से चल सकते हैं। और इसे घूम के यहाँ से यहाँ से और ये नीचे आ गए, काटे सीने में गिर रहे हैं मयंक भाई। हम लोग गलत आ गए, अब यहाँ से कैसे जाएंगे नीचे? जहाँ से आए हैं ना खत्म है, देखो जाएंगे ही नीचे, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे आए हैं। ये तो मजा है, क्या मक्खन मिलेगा क्या तुमको? वहाँ पे आए हो, चैलेंज मिलेगा, चैलेंज सही हमेशा चैलेंज देती है। सही बात, चलो आगे आ। इधर से तो डेड एंड है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया इधर से जाने का। जितना ही चढ़ने में एडवेंचर था और रिस्क था, उतना ही उतरने में भी है। हम डेड एंड इसी से उतरेंगे, हम भी जिद्दी इंसान हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब हम यहीं उतरेंगे। तुम जाओ जहाँ से जाना हो। अबे नहीं भाई, चट्टान से उतरेंगे नीचे, मत करो, स्लीप है उसके आगे, फिर कहाँ जाओगे? इधर तो चलो है रास्ता, ये है यार इतना। छोड़ो, हम इधर, अबे ये सही रास्ता है मयंक, ये इधर देखो। नहीं जाना है, हम इधर जाएंगे, हम यहाँ इंसान है, हम मानेंगे नहीं, हम उसी डेड एंड से जाएंगे। काहे बोले डेड एंड है, तुमको बेहे बना दिए, तुमको जाना पड़ेगा इधर से भाई। अब देख रहे हो इतना रिस्क अगर ले सकते हो तभी पहाड़ पे चढ़ना मेरे भाई लोग। जाना पड़ेगा भाई साहब, बहुत रिस्क है। हल्का सा अगर स्लीप हुए तो गए, अबे गए। भाई ये तो बहुत रिस्क वाला ले आए, देख रहे हो? अरे यार स्लीप हो रहा है, बहुत तेज स्लीप हो रहा है, पीछे से। सही बात, यार देख रहे हो पत्थर कहाँ चला गया भाई साहब? स्लीप हो रहा है ना, मेन बात दिक्कत स्लीप होने की। मयंक तो उतर गया तेजी में, अबे भाई बच गए, कसम से बच गए, चले गए होते अभी। आजा। ओ भाई कांटा बहुत ज्यादा है यार, पैर रुक नहीं रहा है, लॉक हो जा रहा है बहुत किस्मत से, कसम से। एक स्लीप हुए कहां से यार, एकदम खड़ा देखो, नंगे पाओ तो हालत खराब हो जाए भाई, गड़ उड़ रहा है इतना, चप्पल जूते में जब इतना हालत खराब हो रहा है, देख रहा हूँ कैसे स्लीप हो रहा है। नहीं मत करो, पैर में कांटा गड़ा ऐसे ही तुम्हारे, दो फांदो ना। फाइनली जमीन पे पैर रख लिए, कहाँ से आए? अरे भाई साहब वहां से उतरते हुए एकदम खड़ी चढ़ाई, चैलेंज इसको कहते हैं, खुद को चैलेंज दे रहा बहुत ज्यादा। तो डेड इंड बोल रहे थे, डेड इंड आ गया, डेड इंड ये क्या होता है? सही बात, आदमी जीवन में मान लोगे तो सब डेड इंड ही है। अबे कांटा चप्पल में भी कांटा, अबे जो बड़ा कांटा पार हो गया, बाप रे अच्छे कैसे पत्थर नीचे सांप ने अपना बनाया हुआ, देखिए बिल ऐसे ही निकलते हैं मामा लोग, आने का नहीं है इधर, ठीक बच्चे लोग नहीं आने का, छोटे बच्चे नहीं आएंगे यहाँ पे, ये देखो छोटे बच्चों का जगह है। इतना बड़ा कांटा घुसा था अभी, ये देखो मेरा तुरंत देखो, तुम्हारे तो पैर की हालत खराब कांटा कर दिया क्यों? हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, टैटू बनवाने के बाद से कांटों से दोस्ती हो गई हमारी। सही बात, जब कोई है इतना सारे कांटे तो लग ही चुके हैं, आदमी इतना ज्यादा टैटू झेल सकता है तो कांटा उठा के आए फिर। भाई साहब यही पहाड़ एक्सप्लोर करके आ रहे हैं, देख रहे हो चौं बड़ा पहाड़ था। हम लोग लगभग नीचे आ चुके हैं,
काफी मजा आया आज एक्सप्लोर करने में, बहुत आनंद आ गया श्री जी की कृपा से, एकदम बढ़िया से एकदम सुरक्षित हम लोग आ गए सब कुछ करके, और काफी एडवेंचर। सबसे जरूरी यही चीज है कि सुरक्षित आना है। हाँ ठीक है, राधे राधे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, राधे श्याम।